आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इस साल स्टॉक मार्केट में लगातार उछाल देखने को मिला है। सरकार की घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम रंग दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिफॉर्म्स का असर स्टॉक मार्केट पर दिखने लगा है। आगे भी इसका फायदा सीधे तौर पर घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स को कितना और कैसे मिलेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है एक इकोनॉमिक रिसेशन की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो हमारे देश में क्या कोई पॉसिबिलिटी है, और अगर हाँ तो क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? ये क्लियर है कि कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी जो है वो ठप होती हुई नज़र आई और पूरे विश्व की जीडीपी यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई है, और इस वजह से इन्वेस्टर को भी काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने कई सेक्टर ऐसे रहे जिनमें निवेश किया था, उन सेक्टर्स में अब ग्रोथ न होने की वजह से भी यहाँ पर पूरी तरह से मंदी का दौर देखने को मिला। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, यानी कि ये एक लिमिटेड समय के लिए है। जैसे ही वैक्सीन यहाँ पर मिलता है या फिर अब धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना महामारी से अब उभरते हुए सारे विश्व नज़र आ रहे हैं, ऐसे समय पे अच्छा मौका है कि आपको बहुत से ऐसे शेयर कंपनियों के शेयर हैं जो कि निचले स्तर पर मिल रहे हैं, और आप उनमें अगर निवेश करते हैं तो लंबे समय पर आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। और जब भी स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है तो स्टॉक मार्केट जनरली मेन दो वजहों से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट होती है। तीसरी वजह इस बार पहली बार देखने को मिली है, या ऐसा होता है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, या फिर अगर कोई इस तरीके की महामारी होती है तो भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलता है और उससे निवेशक अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैन साहब, सारी बातें हमारे नाज़रीन के लिए बेहतर तरीके से परत दर परत हम इसको खोलते जा रहे हैं। अब सवाल आता है फिर से पेंडेमिक कोविड का। इस दौर में इंडियन इकोनॉमी ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है, क्या इसमें जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं वो कितने अहम हैं? पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से ग्लोबली सारी इकोनॉमी पर असर पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारी जीडीपी ग्रोथ Q1 Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, पर हम बहुत जल्दी इसमें रिवाइव कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पहले देखिए, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 10% ऑफ जीडीपी बनता है, स्टिमुलस पैकेज एमएसएमई सेक्टर को दिया। एमएसएमई सेक्टर के लिए कोलेटरल फ्री लोन, इंटरेस्ट सबवेंशन, कितनी चीजों की अनाउंसमेंट की एज ए स्टिमुलस पैकेज, सो दैट एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिले, वो इस पेंडेमिक कोविड-19 के इंपैक्ट को झेल पाए। तो गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली, और ये सारी चीजें आपने देखी थी मई 2020 में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, स्टिमुलस पैकेज, टू इंश्योर कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट, जो हमारा बैकबोन है एमएसएमई सेक्टर, उसको हम स्टिमुलेट कर पाए। पहला पार्ट, आरबीआई ने लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए कई पैकेज की अनाउंसमेंट की, बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे सेल परचेज के लिए। जब लिक्विडिटी रहेगी तो इजी फ्लो ऑफ मनी वर्किंग कैपिटल मार्केट में रहेगा। आपने देखा था कि मोनिटोरियम फॉर ईएमआई फॉर द लोन 3 महीने के लिए दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वो सारी कोशिश की कि पेंडेमिक कोविड-19 को कैसे हैंडल किया जाए। इसका असर था, इसका असर ग्लोबली सभी कंट्रीज पे पड़ा, हमारे ऊपर भी पड़ा, बट हमने इस पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया, जिसमें स्टार्टअप को हमने बूस्ट करने की कोशिश की, डिजिटाइजेशन को हमने प्रमोट किया, और हमने ये इंश्योर किया कि जो स्टिमुलस पैकेज है 20 लाख करोड़ का और आरबीआई की जो पॉलिसीज थी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो ये इंश्योर करें कि पेंडेमिक कोविड-19 का असर ज्यादा ना हो
और हमें देखने भी मिल रहा है कि अब हम रिवाइव कर रहे हैं। आप देखिए जो अगस्त मंथ में जो हमारा परफॉर्मेंस है, जीएसटी पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, पिछले साल जितना हमने अगस्त के लिए जीएसटी कलेक्शन किया था उतना ही कलेक्शन हमने 2020 में कर लिया अगस्त मंथ के लिए। एक इंडिकेटर है कि सेम कलेक्शन एट पार विद द लास्ट ईयर, यानी हमारी इकोनॉमी अब पटरी पे आ रही है। क्यों आ रही है? कि गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली इन सारी चीजों पे वर्क किया है, इंश्योर किया है कि पेंडेमिक कोविड 19 का असर बहुत लंबा ना हो, इकोनॉमी फिर से रिवाइव करे, फिर से जीडीपी ग्रो करे। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम चाइना को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम इंश्योर करें कि हम बेहतर से बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी को ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो स्टिमुलस हमें गवर्नमेंट ने दिया है हम इसको यूज करें और इंश्योर करें कि फिर से हम उसी ग्रोथ पे, जिस ग्रोथ पाथ पे हम चल रहे थे, हम वापस आ जाए। तो मेरा तो यही आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल पेंडेमिक कोविड 19 की वजह से असर तो हुआ है, बट गवर्नमेंट ने जितने भी स्टिमुलस पैकेज, जितने भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए अलॉन्ग विद आरबीआई, दैट इज हेल्पिंग ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड ओवरऑल जीडीपी विच इंडिया इज लुकिंग एट। इस बैकग्राउंड में डॉक्टर रवि सिंह साहब, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि इस पूरे कंटेम्प्रेरी पीरियड में जिसमें कोविड 19 एक अपनी जगह असर दिखा रही है, खराब असर दिखा रही है, तो वहां एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां, कैसे और कब करे? एज ए इन्वेस्टर और एज अ निवेशक आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं जिन पे कि आप निवेश करके पैसा बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आप अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास आज म्यूचुअल फंड है, बैंक की एफडी है, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट यानी कि सीधे आप शेयरों की खरीद फरोख कर सकते हैं। अब आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में खरीदारी करें तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को जरूर जान लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो लोग अपने रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर के काम करते हैं उनको इससे काफ़ी अच्छा फायदा भी मिला है और अच्छे पैसे यहाँ पर निवेशकों ने बनाए हैं। क्योंकि अगर पिछले 5 साल का कंपैरिजन करें तो लोगों ने लगभग 40-45% तक अपने निवेश पे मुनाफा भी कमाया है। तो अब अगर आप सही समय पर और सही निवेश करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। कोविड का जो ये समय दौर चल रहा है, इस समय भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कि आप निवेश करके पैसे बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप अभी जो सिलेक्शन है उसमें आप आईटी, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में अगर शामिल करते हैं तो आपको लंबे समय पर अच्छे मुनाफे यहां पर मिल सकते हैं। और एक सवाल जिसको मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, अभी मैंने रवि सिंह साहब से पूछा कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या असर होता है, तो क्या वाकई स्टॉक मार्केट के क्रैश करने पर इतना गहरा असर होता है? आप हमें समझाएं। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए स्टॉक मार्केट क्रैश गिरा क्यों, गिरावट क्यों आई, क्या रीजन था। देखिए कई बार गिरावट ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है उनकी वजह से भी आती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट रिसेशन में होते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। रीजन ये भी हो सकता है, पर क्या ये रीजन हमारे लिए नेगेटिव कमेंट करता है, नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आता है? पेंडेमिक कोविड 19 जब स्टार्ट हुआ हमने देखा था हमारा इंडियन मार्केट भी डाउन हुआ था, हमारा ही नहीं वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टॉक मार्केट थे सभी डाउन हुए थे। जब क्रैश करता है तो दो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लर्निंग, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टर हूं तो मुझे इमीडिएट ह्यू एंड क्राई नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में कर रखा है तो मुझे इमीडिएट सेल करके बाहर भी नहीं आना चाहिए। मुझे ये इंश्योर करना चाहिए कि क्रैश जो हुआ है उसका रीजन क्या है। अचानक कोविड 19 आ गया, इंपैक्ट हुआ, नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हुए और लोगों ने बिकवाली सेल करना चालू कर दिया, क्रैश कर गया। तो क्रैश करने का रीजन टेंपरेरी था, परमानेंट नहीं था।
ऐसे केस में तो आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कि मैं अच्छी ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी जो अच्छी है, जो आगे अच्छा करेंगी, क्योंकि उनके पास्ट रिकॉर्ड होते हैं। जो कंपनियां 5-5, 10-10 साल से अच्छा रिटर्न दे रही हैं, अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, उनका परफॉर्मेंस 10-20%, 30% ग्रो कर रहा है, जस्ट ग्लोबल क्लू की वजह से या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाइना से युद्ध नहीं हो जाए, इसी माइंडसेट की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं, कंपनी खराब नहीं हुई। कंपनी वही है जो कंपनी अच्छा कर रही थी, उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वही है। कई बार स्टॉक मार्केट जो क्रैश करता है वो डिफरेंट रीजन से करता है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्रैश होने पे आप बिगबाली में ना जाएं। बिगबाली होने से क्रैश होती है, और बिगबाली कई बार इसी माइंडसेट से होती है कि मार्केट टूट जाएगा, खत्म हो, नहीं हो सकता। ये टेम्पररी रीजन होते हैं जहां पे आपको बल्कि अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा शेयर है जो मैं खरीदना चाहता था, फिर तो वो अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाएगा, आपको बल्कि परचेज करना चाहिए। तो क्रैश करने के पीछे आपको देखना चाहिए रीजन क्या है, वो रीजन की लॉन्गिविटी कितनी है और कितना इंपैक्ट करने वाली है। स्टॉक मार्केट जो क्रैश करता है उसकी रीजनिंग हो सकती है, रीजनिंग देख के आप अपना कॉन्शियस कॉल लीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट प्लानर होते हैं, आपके वेल्थ मैनेजर होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो एज इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए। मेरी राय यही होगी, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो आप एक जजमेंट, अपना बेस्ट जजमेंट लीजिए, रीजन क्या है। अगर टेम्पररी रीजन से स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो बिगबाली मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि मैं फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज परचेज की है वो कर सकता हूं क्या। ये मेरी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टॉक मार्केट में रवि सिंह साहब, ये 3-day रूल क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, और इसको खुलवाने के लिए आप एक्सचेंज के जो रिनोन ब्रोकर हैं आप उनके पास जाकर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि आप KYC नॉर्म को जैसे ही फिल करेंगे, आपका अपना बैंक अकाउंट की तरीके से ही डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कि जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में आता है, और उसी के बेसिस पे आप खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। फिलहाल KYC नॉर्म्स बहुत सिंपल हैं, जिस तरीके से आपको बैंक के लिए यहाँ पर चेक की ज़रूरत होती है और पैन कार्ड की ज़रूरत है, आधार कार्ड की या फिर कोई एड्रेस प्रूफ हो उसकी ज़रूरत होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोल करके आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और उसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं। जैन साहब, आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? चाहा कि एक इन्वेस्टर्स को किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या एहतियात बरतने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर, आपका वेल्थ एडवाइजर आपको गाइड करेगा। आप भी इन्वेस्टर्स हैं, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन खुद गैदर करनी चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? मान लीजिए आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आप क्या देखेंगे? आप उसके पिछले 3 साल में जाइए कि उस पिछले 3 साल में इस कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, इनकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्या रही है, किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कैसे ग्रो कर रही है, इसके EPS अर्निंग पर शेयर कितनी है, इसकी DPS डिविडेंड पर शेयर कितनी है, और इसकी लिक्विडिटी कितनी है मार्केट के अंदर, ये सारे फैक्टर, और जो मार्केट रेट ऑफ शेयर्स है वो कितना हाई एंड लो रहा है, ये कुछ पैरामीटर है जो आपको एज ए इन्वेस्टर्स जरूर देखने चाहिए।
जब आप पिछला तीन साल देखेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी देती हैं। आपके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए और क्वार्टरली रिजल्ट से आपको एक इंडिकेशंस मिलेगा कि बाकी ये कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। मान लीजिए ईयर वन में 10%, ईयर टू में 15%, ईयर थ्री में 20%, तो यानी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी, टॉप लाइन बॉटम लाइन, इसकी डीपीएस डिविडेंड पर शेयर इन्हें कितने दिए और ईयर ऑन ईयर क्या इनका चार्ट रहा है, ईपीएस क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर का क्या ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर। जब आप ये सारे फैक्टर को देखेंगे तो आपको एक बेटर इंडिकेटर मिल जाएगा जिसको हम एहतियात बोलते हैं कि ये हमें कॉशन रखने चाहिए कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आपको बच के रहना पड़ेगा। कई बार मार्केट में रूमर उठती है और रूमर के बेसिस पे आप परचेज या सेल कर देते हैं, कभी मत कीजिए। आप पहले देखिए आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो परचेज का डिसीजन हो चाहे वो सेल का डिसीजन हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रॉफिट कमा लें, इस शेयर्स में मेरे इन्वेस्टमेंट है, मैं प्रॉफिट कर लूं। कई बार प्रॉफिट भी करनी चाहिए। आपको दोनों फैक्टर को वर्कआउट करना चाहिए। जब आप हाई लो भी देख रहे होते हैं उसकी मार्केट प्राइस, तो वो आपको इंडिकेट करती है कि इस शेयर में अभी और कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने हाई तक पहुंच गया। ये सारे फैक्टर आपको वर्कआउट करने चाहिए और इसमें आपकी हेल्प करेगा आपका वेल्थ एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट प्लानर, और आप खुद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाइए, ये सारा डेटा अवेलेबल होता है क्योंकि ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती हैं और क्वार्टरली इनको अपने रिजल्ट्स डालने होते हैं। चाहे वो आप लार्ज कैप कंपनी ले लीजिए, वो आपको सारी इंडिकेशंस देती हैं, सारे रिजल्ट्स आपको ये बताएंगे जो आपके लिए एहतियात होंगे कि किस शेयर में किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रवि सिंह साहब, आपने हमें हर पहलू से वाकिफ कराया, किसी एग्जाम्पल से हमें ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो उसका पैसा है वो कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में लगाए और कैसे लगाए। क्या कोई एज रिलेटेड भी फॉर्मूला है? आपको मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय जब आप निवेश की रणनीति बना रहे हों तो आपकी क्या एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कितना निवेश आपको मार्केट में करना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप सपोज 40 साल के हैं तो आप उसको 40 साल का यानी 40 नंबर को आप 100 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 60 नंबर। अगर 60 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में अपना पैसा 60% तक निवेश करना चाहिए और जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो आप फिर से 100 माइनस करके उतना परसेंट निकाल लीजिए और सिर्फ उतना ही निवेश करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी के थ्रू निवेश करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप निवेश कर रहे हों तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सही एडवाइज़र की राय लें और सही स्टॉक्स में निवेश करें, उन स्टॉक्स से दूरी बनाकर रखें जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी के कहने पर आप किसी शेयर की खरीदारी ना करें, हमेशा उसके पीछे उसकी रिसर्च को समझें और जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है जब आप सेटिस्फाई हों तभी उसको उस स्टॉक की खरीदारी करें। तो आप अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप लंबे समय तक और लंबा रिटर्न कमा सकते हैं। जैन साहब, अभी डॉक्टर रवि सिंह ने अपनी राय दी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर, आपके लिहाज से किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आपको ये ध्यान रखना है जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप कितना करेंगे। मान लीजिए 100 रुपये आपके पास अवेलेबल हैं और 100 रुपये में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक गाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो ऐसा माना जाता है कि आप 50% का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 50% की लिक्विडिटी अपने पास रखिए, 50% का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट कॉल आपको अब ये लेना है कि एक साथ पैसा लगा दूं या सिस्टमेटिक हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगाऊं। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इसे सिस्टमेटिक बनाइए, आप एक साथ पैसा कभी मत लगाइए, आप इसे पीरियड वाइज डिवाइड कर दीजिए। हो सकता है क्वार्टर वन में आप 25% लगाइए, क्वार्टर टू में यानी 3 महीने की स्ट्रेटजी में 25% लगाइए,
इस तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको सेल और परचेज जब मार्केट बढ़ रहा होता है और घट रहा होता है दोनों का फायदा ले पाए। ये सेकंड बात रही आपके लिए। थर्ड स्ट्रेटजी आपके लिए ये होगी कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखिए, शेयर मार्केट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। कई बार आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे भी वर्क करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, गोल्ड में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, रियल स्टेट में करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड में करूंगा तो कितना मिलेगा। हर किसी इन्वेस्टमेंट की अपनी प्लस और माइनस है। आप रियल स्टेट में करेंगे इजी लिक्विडिटी नहीं होती, गोल्ड में करेंगे तो हाँ रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं पर आपको देखना पड़ेगा मार्केट क्लू क्या है। शेयर मार्केट में अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन करेंगे और प्लान करेंगे अपने आप को, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए, मैं एक ही कंपनी में पैसे नहीं डालूंगा, मेरे पास लार्ज कैप कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, स्मॉल कंपनी है और उसमें भी कई सेक्टर अवेलेबल है। आप आइडेंटिफाई कीजिए उस सेक्टर में किस कंपनी को मैं पिक करूं। आप आईटी में देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल देख सकते हैं, मेटल एंड माइनिंग देख सकते हैं, यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटजी, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी आपकी वर्किंग अगर आपने अच्छी तरह से की तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको कंफर्म रिटर्न देगी, कंफर्म पॉजिटिव रिटर्न देगी। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करें, वॉच करें और मॉनिटर करें, यानी सेल परचेज किस टाइम पे करना है ये भी एक कॉल होता है। तो कई बार हम डिस्कस कर रहे थे ना, स्टॉक मार्केट उछाल पे है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो गिरते वक्त भी आपको यह देखना है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कहां हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन था, मैंने आपको गाइड किया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सिस्टमेटिक प्लान कर सकते हैं और क्या फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको दी बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। डॉक्टर रवि सिंह साहब, विमल जैन साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमें बेहतरीन जानकारी दी जो हर खासो आम को पसंद आएगी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारी आईडी है dd.urdu.specials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।